तो ऐसे वर्कशॉप में था जहां बहुत तेज आवाज होती थी, बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती थी। अगर वहां हम आपस में भी बात करें, धीरे धीरे एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते थे, तो जोर जोर से बातें करते थे। लेकिन वो होता क्या है कि वो हमारी वहां फैक्ट्री की है, क्योंकि वहां का वातावरण है जोर जोर बोलने का। लेकिन वो हमारी आदत में आ जाती है कि अगर घर में भी हम होते हैं तब भी लोगों से वही वाली आदत जोर जोर से बात करने की। तो ये आदत है, इसका एक मतलब एक उदाहरण है, आदत कैसे आदत काम करती है ना। तो ये मतलब बहुत सटीक उदाहरण है, देख सकते हैं। जैसे बाजार में आप हो, शोर शराबा रहता है, तो आप धीरे से किसी को बोलते हैं तो वो नहीं सुनाई देगा, है ना। तो इसी प्रकार होता है। और क्या होता है कि ऐसी आदतें हमारी भी बन जाती है ना। लेकिन ये अन्य स्थानों पर ऐसा नहीं होता है, जहां आवाज होती है, ये आदत के अनुसार हम काम करते हैं और ये धीरे धीरे अपनी आदत बन जाती है। उसी प्रकार अकुशल की आदत है तो अकुशल कार्य करते हैं, उसी की आदत बनी है। कुशल की है तो कुशल की काम करते हैं, और कार्य कार की तरफ मन है ना, उसी तरफ कुशल की तरफ मन भी प्रेरित करता है कि हाँ ये करना चाहिए। जैसे ध्यान करते हैं, अच्छा ध्यान लग रहा है, तो आपका मन करेगा क्यों ना हम और ज्यादा देर ध्यान करें, है ना, और अच्छा लगेगा। अब जो जिसको आलस आता है ना, नहीं होता है, छोड़ो आज नहीं, अब कल कर लेंगे, क्या जरूरत है। ये होता है, ये आदत है ना। और इसी प्रकार ये सब इन कार्यों के लिए भी हमारा मन क्या है, प्रेरित करता है। सभी आदतों को मन बताता है ना। और इसी प्रकार होता है, और ये भी जानते हैं कि इन आदतों का या जो ये अकुशल परिणाम है, अकुशल का परिणाम अकुशल होता है ना। तो इसमें क्या होता है, फिर हम जब अपने पर काम करते हैं तो इन अकुशल आदतों को हम छोड़ते हैं, है ना। यही पर क्या होता है, ये धम्मबिच्छ जिससे कहते हैं, कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि हम अपनी उस अकुशल आदतों को पहचानते हैं, उसको समझते हैं, और समझकर आगे बढ़ने का जब हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि हमारी अकुशल आदतें छूटेंगी। तो ये क्या होगा, यहीं से धम्मबिच्छ का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है। जब तक हम पहचानते नहीं, तब तक हम आदत के अनुसार करते रहते हैं। भंते जी ने यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है कि जब हम, जैसे घर में हम ही क्या, महिलाएं या कोई भी खाना बनाता है, तो चावल है या दाल है, उसको बनाने के लिए पहले उसको साफ करता है, उसमें देखता है कहीं कंकड़ है, कहीं पत्थर है, कुछ है, उसको निकालता है ना, तभी वो साफ होता है। नहीं क्या होगा, ऐसे पका देगा तो कहीं कंकड़ का टुकड़ा आएगा, तो आप समझ सकते हैं क्या होता है जब मुंह में पड़ता है ना। तो वहां पर अगर ऐसा करने पर अगर मुंह में आएगा, अगर वो आध्यात्मिक व्यक्ति है या वैसे हम लोगों की तरह थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा है, तो उसकी अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो बहुत लोगों के घर में माहौल दूसरा क्रिएट हो जाता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ हमारा कहने का मतलब इतना है कि जिस प्रकार से हम उन चावल या दाल के बीज से कंकड़ को छानते हैं, उसी प्रकार हम जब वो छानते हैं तो वो चावल या आटा क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब वो बिच का काम करता है, उसको छानने का काम कर। उसी प्रकार कुशल अकुशल का भी चुनाव हम करते हैं, है ना। अपने मन से अकुशल विचारों को निकालना, अपनी अकुशल आदतों को निकालना, कुशल आदतों का वो संचय करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है,
क्या हमें छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है ना। और इस सब को हमें देखना है, क्या चीज हमें आगे बढ़ाना है। इस प्रकार जब हम करते हैं तो धम्म विच होता है। जब हम गहराई में जाते हैं तब धम्म विच करना आसान हो जाता है ना। इन सब चीजों को जब हम गहराई से या चिंतन करते हैं गहराई से सब, तब ये बहुत आसान होता है। नहीं तो इसका निरीक्षण भी क्या बुरा है क्या, उतना जल्दी नहीं समझ में आता है। कहते हैं कठिन परिस्थिति में हम कुशलता की ओर देखते हैं और क्या होता है बढ़ते हैं। जैसे किसी को विषम परिस्थिति में पैसे की जरूरत है तो गरीब है, गरीबी में जानने वाले भी उससे कतराते हैं। जो कोई भी है किसी को पैसे की जरूरत है, चाहे हमारा रिश्तेदार हो या दोस्त हो और थोड़ा परेशानी में होता है, तो क्या होता है कि बहुत से लोग उससे कतराने लगते हैं। उनको पता होता है कि पैसे की जरूरत है, ये पैसे मांगेगा, उससे दूर भागते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि उसको इन छोटी छोटी बातों की, ये बहुत वैसी बात है, छोटी भी बात है बड़ी बात है, तो उससे लोग कतराते हैं। तो वो छोटा मोटा सामान खरीद कर बेचना, अपना घर चलाना, कोई ऐसा भी हो सकता है। फिर वो कुशल है, वही धम्मिच है, कोई किसी से मांगता है, कोई चोरी करता है कोई, लेकिन जो कोई व्यक्ति ऐसे होता है, ठीक है सबको दिक्कत आती है, तो कोई छोटे मोटे सामान का व्यापार करता, कुछ बेहतर जैसे हम जाते नहीं है, अगर सफर में जाते हैं तो बहुत से लोग महिला या पुरुष या बच्चे आपको भीख मांगते हुए दिखेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कोई पेन बेच रहा है, कोई और कोई सामान बेच रहा है, कोई खाने वाली चीज बेच रहा है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, वो कुशल काम है। तो ये इसी प्रकार होता है। इसलिए कठिन परिस्थितियों में ये जो है धम्मिच जो है ये काम करता है, यही धम्मवच है। क्योंकि कोई भी ये काम करके धन अर्जन करता है, और जो धन अर्जन करता है काम करते वो कुशल है ना। इस प्रकार बहुत लोगों की मानसिक अवस्था को ऊपर उठता है ना, वही विच है। यह धम्मिच हमें आगे ले जाती है अकुशल मानसिक अवस्था से इस तरफ कुशलता की ओर, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है और हम आचरणशील होते हैं। आचरणशील हो तो क्या होता है ना, सीलों का समझ सकते हो। जब हम आचरणशील होते हैं, सीलों का पालन करते हैं, तो क्या होता है, हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे ये समय प्रयासों में भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जो अकुशल है, जो निर्माण नहीं हुआ है उसे रोकना, अकुशल से अलिप्त रहना, है ना। कुछ लोग टालते हैं और उसमें क्या होता है, अकुशलता, अगला क्या, अकुशलता या नकारात्मकता की जड़ से नष्ट करना, कुशल का निर्माण करना, जिसे उच्छेद कह सकते हैं। आगे कहते हैं कुशलता को निर्माण करना, और आगे होता रक्षण करना। क्या रक्षण करना है, जो कुशल निर्माण किया है उसका रक्षण करना, कि ऐसे कुशल होता रहे अकुशल ना हो, है ना। हमारे अंदर अकुशलता का निर्माण ना हो, कुशलता ही बनी रहे। जब तक हम अपने संस्कार को, स्वयं को, इसको जानते नहीं है, या हम कह सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें अपने संस्कार को या स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। हमारी मानसिक अवस्था को या कैसे निर्माण करना है, इसकी तरफ बढ़ना
या जानने की कोशिश करना, अपने आपको जानने की कोशिश करना मतलब चिंतन करना, उस पर मनन करना, तभी तो हम कोशिश कर सकते हैं जानने की। ऐसे किसी ने बोल दिया है ऐसे नहीं होता, जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, तब जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक हम कैसे जानने की कोशिश करेंगे। यदि स्मृति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, है ना। अगर स्मृति है तभी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति की भूलने की भी आदत होती है, और खासकर जब हम लोगों की तरफ 60 के ऊपर होते हैं तो ये ज्यादा आदत होती है, और वैसे तो भूलने की आदत आम होती है, सभी लोग जानते हैं, और इसके बहुत से उदाहरण हमारे इसी ध्यान संध्या में लोगों ने बताए भी हैं, हमने भी चर्चा की होगी। क्या होता है कि बहुत लोगों को आदत है, कहीं चलते रहते चश्मा सिर पे रख दिए और ध्यान से उतर गया, बाद में चश्मा ढूंढते हैं, जबकि उनके सिर के ऊपर लगा है। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आदमी उसकी आदतों में होना भूलने का, और कुशल अकुशल में फर्क करना स्मृति है, बिना इसके धम्मबिच नहीं कर सकते, है ना। अब देखो धम्मबिच करने के लिए स्मृतिवान स्मृति भी होना जरूरी है, और जब स्मृतिवान रहेंगे है ना तभी धम्मबिच कर सकते हैं, तभी हम उसमें क्या है कुशल है क्या अकुशल है तभी तो अलग कर सकते हैं, है ना। और उनका संघर्षमय जीवन को देख सकते हैं कुशलता की तरफ, जो मतलब उन लोगों का हम संघर्षमय जीवन देख सकते हैं जो अकुशलता की तरफ गए हैं, है ना, और अकुशलता से कुशलता की तरफ जो जाते हैं उनको हम देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, है ना। और बाबा साहेब का उदाहरण ले लो, उनकी कितनी अच्छी मेमोरी होती थी, उनकी क्षमता को, और जैसा वो पढ़ते थे लोग बताते थे कि अगर वो कोई पुस्तक खोलते हैं उसकी अगर भूमिका को पढ़ लेते हैं तो समझ लो पूरी किताब के बारे में वो समझ जाते थे। या ऐसा भी हम देख सकते हैं उदाहरणों से, है ना। और ये पढ़ने की भी एक जो होती है स्मृति ही काम करती है या मेमोरी है, है ना, उसकी क्षमता पर निर्भर करता है किसकी कितनी मेमोरी है, ये पता चलता है। और अब बाबा साहेब की बात कर रहे थे, उनका संघर्षमय जीवन हम देख सकते हैं कितना संघर्षमय जीवन था उनका, है ना, और वह अकुशलता की तरफ कभी नहीं गए, है ना। लोगों ने उनको कितना क्या कुछ नहीं बोला है, है ना, लेकिन उन्होंने किसी का अकुशल नहीं सोचा है, मतलब वो कुशलता ही करते रहे, उसी की तरफ रहे, है ना। इसी कारण जातिता गुलामगारी गुलामगिरी इन सबको उन्होंने नकारा है और स्वयं का विकास किया है, कुशलता की तरफ बढ़ने के लिए, समाज के विकास के लिए ही जो कुछ किया है, क्योंकि तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से ये सब कर सकते थे और किए भी हैं, और उनके बारे में सभी लोग पढ़े होंगे अच्छी तरह से जानते होंगे, इसलिए हमें ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है। और आगे क्या है कि इसके लिए हमें प्रमाणिक होना भी बहुत जरूरी है, है ना। धम्मबिच के लिए प्रमाणिक होना बहुत आवश्यक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो है अंदर के जो नैतिकता है ना, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, है ना। एक मनुष्य के साथ दूसरे मनुष्य के साथ, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ उचित व्यवहार करना या उचित व्यवहार हमारी प्रामाणिकता और नैतिकता को दर्शाता है। ये हमने नहीं, ये बाबा साहेब ने बोला है।
कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ उचित व्यवहार या यही उचित व्यवहार हमारी प्रामाणिकता या नैतिकता को दर्शाता है, है ना। बाबा साहेब पर कोई कहते हैं उंगली नहीं उठा सकता, है ना, या तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। और दूसरा क्या, उनकी प्रतिज्ञा, यदि लोगों को उद्धार नहीं कर सका तो खुद को गोली मार लूंगा, प्रतिज्ञाबद्ध कितने थे, और अंतिम क्षण तक वह प्रमाणिक रहे, है ना। पूरे समाज की नहीं, देश नहीं, विश्व की मदद के लिए ये प्रमाणिकता, ईमानदारी जो है उनकी, यही तो धम्मिच है। इसी प्रकार हमें भी अपने स्वयं के लिए जब ध्यान करते हैं तो उसके लिए प्रमाणिक होना है, जब हम पढ़ते हैं उसके लिए प्रमाणिक होते हैं। और हमने बहुत बार बोला है अपने इसी उसमें कि हम कितने प्रमाणिक होते हैं वास्तव में, जब हम कहीं शिविर में या वैसे मनोगत करते हैं। तो पहले हम भी बोलते थे जब मित्र थे, ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा अंतर हो गया कि हाँ हम बहुत अच्छा ध्यान करते हैं, ये करते हैं या पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं था, है ना। लेकिन वो चीजें अब समझ में आ रही हैं, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं करते थे तो हम इस प्रकार से जैसे आप लोगों के सामने बातचीत कर रहे हैं इस प्रकार नहीं बातचीत कर सकते थे, हमारे पास शब्द ही नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं करते थे, हम चिंतन नहीं करते थे, हम पढ़ते नहीं थे, या ये भी कह सकते थे उस समय हम प्रमाणिक नहीं थे, या उस समय हम प्रमाणिक नहीं होते हैं, या नैतिक नहीं होते हैं, कुशलता का आचरण नहीं करते हैं। ये होता है हर मानव में, उसी का तो हमें परिवर्तन करना है, उन्हीं अकुशल विचारों को तो छोड़ना है, यही धम्मिच है। जैसे बाबा साहेब ने प्रतिज्ञाबद्ध हुए थे, उसी प्रकार हमें भी, अगर हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, नहीं ज्यादा तय, नहीं तो हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा, प्रमाणिक हम नहीं, हमें इतने मिनट ध्यान करना ही करना है, कुछ भी हो जाए तो कैसे नहीं होगा, होता है। पहले हम लोग 20 मिनट, हमने बताया है बहुत बार, 20 मिनट ध्यान करते थे, नहीं बैठा जाता था, 30 मिनट करने लगे, 40, अब तो कितनी देर भी बैठ के ध्यान करो, तो धीरे धीरे होता है, एकाएक नहीं हो सकता है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे हमने इसी में बताया है, क्षण प्रति क्षण सब कुछ बदल रहा है, उसी प्रकार हमारी आदतें, हमारे संस्कार, हमारे अकुशलताएं कुशलता की तरफ जा रहे हैं, हमारे मन का भी वो धीरे धीरे हो रहा है, उसका हमें निरीक्षण करना है, उसे हमें देखना है, उसका अनुभव हमें करना है, ये सारी बातें हैं। हमने बाबा साहेब का उदाहरण दिया, किस प्रकार वो प्रमाणिक ईमानदारी से रहे, उसी प्रकार हमें भी रहना पड़ेगा। और बाबा साहेब ही ऐसे, उनके अंदर उनका ऐसा जज्बा जुनून था, या उनका आंदोलनों को देख लो, देख लो, महाड़ आंदोलन हो गया, या काला राम मंदिर में लोग लाठियां बरसा रहे हैं, बाबा साहेब रोक रहे हैं, नहीं हमारे लोग कोई हाथ नहीं उठाएंगे या कुछ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, है ना। देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा कि उनके उनके लोग मार रहे हैं, तो जो बाबा साहेब के साथ थे कि वो बोलते हैं कि अरे बाबा साहेब वो हमें मार रहे हैं, बोले नहीं हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, है ना। कितना बड़ा उनका वो त्याग रहा होगा, कितना बड़ा वो गंभीर रहे होंगे, है ना। उनके किसी भी सत्याग्रह से ये देख सकते हो कि वो कितने प्रमाणिक थे, है ना। ये हम सोच सकते हैं, इस पर चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं। उसी प्रकार हमें ये पढ़ने की या जो हम बता रहे हैं बताने की नहीं, हमें धम्मिच करना है अपने आप में, स्वयं में, हम कितने प्रमाणिक हैं, हम कितना ध्यान कर रहे हैं, हम कितना पढ़ रहे हैं, हम शिविरों में जाते हैं क्यों, बाहर जाने के लिए बहानेबाजी होती है, है ना। तो ये सब हमें समझने की बात है। यदि हम अपने समाज संगठन में पद प्रतिष्ठा की लोलुपता से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, केवल दूसरों की बुराई ढूंढ रहे हैं, तो हम कौन सा धम्मिच कर रहे हैं, है ना।
कि वो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं या हमें ये पद नहीं मिला हमें वो पद, तो फिर हम कौन सा धम्मविच कर रहे हैं। ये चिंतन का विषय है, ये समझने का विषय है कि हम कहाँ पर हैं, है? लोग क्या करते हैं ये सोचना बंद करके कुशलता की तरफ हमें जाना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये सब की हमें नहीं परवाह करनी पड़ेगी, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वास्तव में बड़ा अच्छा भी लगता है, और जब लोग कहते हैं या बताते हैं, और अब जो है लोग ऐसा हमें भी बता, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे हमें भी लोगों ने बताया है, लेकिन अब हमें महसूस होता है। इसलिए आपसे बड़े उससे निडरता से कहें या कैसे कहें, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। और हमें पहचानना पड़ेगा क्या कुशलता की तरफ है, पहचानना है धम्म को कुशलता की तरफ या अकुशलता की तरफ हम जा रहे हैं, ये पहचानना आवश्यक है। अकुशल अवस्था मतलब अकुशल अवस्था जो है ऐसा मतलब हावी होती है ये अकुशल अवस्था कि हम पहचानते हैं, लेकिन यहां जब हम पहचानते हैं तभी धम्मविच होता है, क्योंकि ये अकुशल अवस्था पीछा छोड़ती नहीं है हमेशा। तो जब हम पहचानते हैं तो उसे हम इग्नोर कर, हम ही नहीं सबको पहले भी हुआ होगा, हम पढ़ते हैं तो यही जानना है। अब इसमें कृष्णा गौतमी का भी उदाहरण ले सकते हो, है ना, जब वो उसका बच्चा जो है खत्म हो जाता है, बुद्ध के पास जाती है, है ना, जब बुद्ध ने उसे कुछ लाने के लिए भेजा तब उसे पहचान हुई कि हाँ ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कहाँ पर हूँ, है ना। तो ये हम फिर तब वो बोलती है हाँ मैंने पहचान लिया, मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया मैं क्यों रो रही है ना? तो यही धम्मविच है। इसी प्रकार हमें अपने आप को समझना है, टाइम भी होने को है हमें। और दूसरी क्या है कि स्वीकार क्या करना है, हमें जिम्मेदारी लेना है, है, जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। हमें अपनी मनो अवस्था के क्रम के प्रति अपनी जिम्मेदारी लेना, हम शीलों का पालन करते हैं, जब हम अपने स्मृतिवान रहते हैं तो स्वयं को स्वयं की कृति की हम जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी, स्वयं की कृति, हम क्या कुशल कर रहे हैं क्या अकुशल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इन कृति की जिम्मेदारी लेना है। अपनी बात दूसरों पर थोपना, धम्मविच से दूर रहते हैं अगर हम अपनी बात को दूसरों पर छो, ये अक्सर होता है कि हम दूसरों में कमियां निकालते हैं लेकिन अपनी नहीं देख पाते हैं, तो ये धम्मविच नहीं है। अगर हम अपनी देख रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने कार्य की, अपने जो कर्म करते हैं, तो ये धम्मविच है। जो उद्देश्य तय किया है उस पर हमें बरकरार रहना है, उसके लिए मतलब जब जो उद्देश्य हमने ध्यान हमें जैसे हमने बताया कि अगर हम प्रतिज्ञाबद्ध हुए हमें आधे घंटा ध्यान करना है तो हमें करना है, ये हमारा उद्देश्य है, उसको बरकरार रखना है, ये धम्मविच है। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों मैंने आपको धम्मविच के बारे में काफी कुछ बताया, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ज्योतिबा बाई फुले से हम समझ सकते हैं किस प्रकार वो पढ़ाने जाती थी, उनका भी तो एक उद्देश्य था, है ना, वो पढ़ाने जाती थी, एक कपड़ा अपने बैग में रख के जाती थी, एक कपड़ा जिसपे लोग गोबर फेंकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, हमें लोगों को शिक्षित करना है ना। उन्होंने परवाह नहीं की कि लोग हमें गोबर फेंक रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, वो फिर भी अपने उस पे उद्देश्य पे अडिक थी, है ना।
ये भी समझ सकते हैं, बुद्ध से ले सकते हैं किस प्रकार उन्होंने घर छोड़ा है ना, या बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं। बुद्ध की तुलना वहां जब पहले आलारा कलाम के आ गए, जब सब कुछ सीख लिए तो बोले नहीं तुम भी हमारे बगल बैठो, जो पद प्रतिष्ठा वाली बात है, आप हमारे बराबर हो गए, हम दोनों मिलके काम। लेकिन नहीं, उन्हें तो आगे बढ़ना था, उन्होंने पद प्रतिष्ठा को छोड़ दिया था, क्योंकि उनका उद्देश्य जो था उसकी तरफ बढ़ना था, धम्म की खोज के लिए बढ़ना था, वो उनका उद्देश्य था। ये धम्म विषय है ना, तो ये सब बातें हो सकती है। और एक उदाहरण और भी ले सकते हैं, बाबा साहेब का, साहेब नेहरू जी ने ऐसा भी सुना है, राष्ट्रपति पद के लिए ऑफर किया था, फोन आता रहा, बार बार आया, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्हें अपने समाज के लिए काम करना था, अपने समाज को देखना था। बोल रहे थे वो भी सोचे होंगे इस पद पर रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो उन्होंने समाज की जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने धम्म विषय के बारे में बताया, वास्तव में हमें अपने स्वयं को देखना है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से हमें सुना, उसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं, साधुवाद करते हैं।